सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्यगण, जैसा कि आप जानते हैं, भारत के संविधान के अनुच्छेद 87 के अनुसार प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र के आरंभ में राष्ट्रपति जी एक साथ समवेत दोनों सभाओं को संबोधित करते हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण में दोनों सभाओं के सभी सदस्य बिना किसी कठिनाई के उपस्थित हो सके, इसलिए मैं इस सभा की ओर से लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम 384 में छूट देते हुए इस कक्ष का उपयोग महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के स्थान के रूप में करने का प्रस्ताव करता हूं। मैं आशा करता हूं कि सभा इसमें सहमत होगी। चेक करते हैं। आइटम नंबर 1, महासचिव। Sir, I beg to lay on the table a copy of the address of the President to both Houses of Parliament assembled together on the 31st of January 2024. माननीय सदस्य